गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आर आयरन, कोबाल्ट, निकल। दीज आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दीज आर द सब्सटेंसेस ऑन विच व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, इसपे जब हम लोग बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसके अंदर से होके जाने लगती है, ठीक है, और ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से दे गेट स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। अगर इसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स, ठीक है, डोमेन। और वन डोमेन में अप्रोक्सीमेटली 10^17 to 10^20 एटम्स होते हैं। इट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर, ठीक है। अगर हमने कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया विच इज इनिशियली अनमैग्नेटाइज, ठीक है, इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, अभी ये अनमैग्नेटाइज है, तो इसमें जो मॉलिकुलर अगर स्ट्रक्चर देखें इसका, तो इसमें क्या होंगे, डोमेन्स होंगे, ठीक है, डोमेन्स होंगे, अलग अलग तरीके से इसमें डोमेन्स रहते हैं, जैसे कि ये सब डोमेन्स हैं। तो इसमें क्या होगा, एक डोमेन जो होगा, ये जो डोमेन है इसमें जितने भी डाइपोल्स होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। हर डोमेन में जितने भी डाइपोल्स होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइंड रहते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग दो डिफरेंट डोमेन्स की बात करें तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब जैसे कि इस डायपोल की बात करें तो इसमें जो डायपोल है वो इस तरीके से, ठीक है, जितने भी एटम्स के डायपोल्स होंगे वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं इन अ पर्टिकुलर डोमेन। तो दीज आर द डोमेन्स। तो इसमें क्या है, इसका अगर हम लोग नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, क्योंकि अभी जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसमें जो डोमेन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है इंडिविजुअल डोमेन्स का, ठीक है। बट अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर डोमेन की बात करें तो उसमें जो डाइपोल्स होंगे सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, और एक डोमेन में कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, तो सभी के डायरेक्शंस डिफरेंट है, जितने डोमेन्स है सभी की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की डिफरेंट है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस पीस का क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं इसमें। जब हम लोग बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सपोज करिए ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें मैं डोमेन को इस तरीके से ना शो करके कुछ इस तरीके से शो कर रहा हूं, ठीक है, इसमें डोमेन ही है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड, ऊपर वाला डोमेन नीचे वाले को कैंसिल कर रहा है, ये वाला डोमेन इसको कैंसिल कर रहा है, तो एज अ होल इट इज न्यूट्रलाइज, ठीक है, इट इज न्यूट्रल, इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब हमने इसमें क्या करा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, वी हैव अप्लाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करी इस पे, तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डोमेन्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डाइपोल्स होंगे वो क्या होंगे, वो अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन सभी डोमेन्स पे क्या अप्लाई होने लगेगा, टॉर्क,
और टॉर्क अप्लाई होने से क्या होगा, ये जो डायपोल्स होंगे एक डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेंगे, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाले जो डायपोल मोमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसका जो स्पेस था वो बढ़ेगा, ठीक है, ये इस तरीके से लाइन होगा, ये ऐसे थे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में था तो इसका स्पेस कम हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, उस समय बाद अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई होती रही तो कुछ समय बाद क्या होगा, उस समय बाद ये होगा कि जितने भी डोमेन्स थे वो सब अलाइन हो जाएंगे, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पीस होगा जो इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड था वो अब क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड, एंड इट मैग्नेटाइज्ड स्ट्रांगली, वीकली मैग्नेटाइज नहीं होगा, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो भी मैग्नेटाइज होता है बट वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है वीकली, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, डाया अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पैरा जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका फिनोमेना है, ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द प्रॉपर्टीज। डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को, ठीक है, और उसकी एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट टर्म्स मालूम होने चाहिए कि क्या होते हैं, परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, और मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी क्या होती है। तो ये सब डिफरेंट कुछ टर्म्स हैं वो सब हमें मालूम होने चाहिए, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो देख लेते हैं। पहला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से, कैपिटल एस से, ठीक है। व्हाट इज दिस, इट इज द एफर्ट टू मैग्नेटाइज अ गिवन स्पेसिमेन, किसी पर्टिकुलर स्पेसिमेन है, कोई मटेरियल है, इधर इट कैन बी डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, कोई भी मटेरियल हो सकता है। जैसे सपोज करिए मैंने ये स्पेसिमेन लिया, कोई मटेरियल है, इस पर मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, अब ये किस तरीके से बिहेव करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो वही उसी की बात हो रही है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो रही है, जो हम लोग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस स्पेसिमेन में वो क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच, जो इस पे हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं फील्ड। तो एफर्ट टू मैग्नेटाइज अ गिवन स्पेसिमेन, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू माइनस आई, आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये रिलेशन होता है एच बी और आई के बीच में, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, ठीक है। बी क्या होता है, यहां पे बी क्या है, बी इज न्यू एन आई, ठीक है। अगर हम लोग किसी टोरॉइड की बात करें या सोलोनॉइड की बात करें, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, बी इज इक्वल टू म्यू एन आई, म्यू नॉट एन आई, अगर अंदर फ्री स्पेस है वैक्यूम है तो म्यू नॉट एन आई, अगर कोई मटेरियल रखा हुआ है तो म्यू एन आई, ठीक है। तो एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करेंट इज एच, ठीक है।
ठीक है, तो H की वैल्यू N इंटू आई भी होती है, ठीक है। तो दिस इज द एफर्ट टू मैग्नेटाइज अ गिवन स्पेसिमेन। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको B से डिनोट करते हैं, कैपिटल B से। इसकी SI यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। B इज इक्वल टू म्यू एच, B इज इक्वल टू म्यू बी नॉट प्लस म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। तो ये क्या हो गया, ये दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द इंटरनल, ठीक है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये क्या है इंटरनल है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर पर मीटर स्क्वायर पर किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द पॉसिबल मैग्नेटिक इंटरैक्शन थ्रू दैट मीडियम, ठीक है। जिस मीडियम में गिवन स्पेसिमेन रखा जाएगा, जो भी स्पेसिमेन है वो किसी मीडियम में रखा जाएगा, तो उस मीडियम से हो के जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी जाएंगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो मीडियम कितना अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास करने में, कितनी फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा है, ठीक है। That is the magnetic permeability. It is the property of the medium. ये किसकी property? Medium की property है, ठीक है? Which determines the possible magnetic interaction through that medium. जैसे vacuum में maximum होता है, ठीक है? अगर vacuum है, कुछ नहीं है, तो उसके through क्या होगी? Maximum field lines cross करेंगी. अगर हमने कोई बीच में कोई material रख दिया, तो उसके through क्या हो जाएगी? Magnetic field lines कम भी हो सकती है. जैसे कि डायमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक में और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है, कौन सा मीडियम है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे म्यू से। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, दिस इज द रेफरेंस फॉर वैक्यूम एंड दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड दिस इज रिलेटिव वैल्यू। तो ये रिलेटिव वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और ये क्या है, रेफरेंस। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का रेशियो क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ गिवन स्पेसिमेन। तो एम्पियर पर मीटर, आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के। क्या होता है कि कोई स्पेसिमेन है तो इसमें क्या होते हैं, डाइपोल्स रैंडमली अलाइंड होते हैं रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अगर हम लोग इसमें से एक इसका पर्टिकुलर वॉल्यूम कंसीडर कर लें तो इसके अंदर कुछ डाइपोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इट इज द नंबर ऑफ डाइपोल्स, इसमें इस वॉल्यूम में, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने डाइपोल्स हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि जब हम लोग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई करेंगे तो इसके डाइपोल्स, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज होने लगेगी। इधर इट इज, इट कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इट कैन बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, विच इज इंटरनल। तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, जितनी ज्यादा फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डाइपोल्स क्या होंगे, लाइन होंगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा डाइपोल्स का, ठीक है। तो I is directly proportional to H, I is equal to chi m, chi is the susceptibility, ठीक है। तो chi क्या होता है, susceptibility होता है into H। अब next देखते हैं chi के बारे में बात करते हैं, magnetic susceptibility क्या होती है, chi m is
I upon H, it is the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing field. अब देखिए इसको समझिए कैसे क्या चीज है. इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जैसे कि एक टीचर जब किसी क्लास में पढ़ाता है तो उसमें तरह तरह के अलग अलग माइंडसेट के बच्चे रहते हैं. ठीक है, किसी को टीचर की बात जल्दी समझ में आती, किसी को समझ में ही नहीं आती, तो किसी के आती है, थोड़ी बहुत आती है समझ में. ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लोग किसी गिवन स्पेसिमेन में, स्पेसिमेन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इट कैन बी डायमैग्नेटिक, इट कैन बी फेरोमैग्नेटिक और इट कैन बी पैरामैग्नेटिक. ठीक है, तो इसको जो है, जो गिवन स्पेसिमेन है इसको समझ लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है. हमने एक स्टूडेंट को कंसिडर करा और टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट करा, तो टीचर क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है जो सभी के लिए इक्वल है. टीचर पढ़ा रहा, सभी को इक्वली पढ़ा रहा, किसी के बाद जल्दी समझ में आ जाती, किसी के थोड़ी बहुत आती, किसी को बिल्कुल नहीं आती समझ में. तो एफर्ट टू मैग्नेटाइज अ गिवन स्पेसिमेन, टीचर इज डूइंग द एफर्ट सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक. ठीक है, तो वो जो एफर्ट कर रहा है टीचर, वो सभी के लिए बराबर है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बताई, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया. अब टीचर की जो बात है, किसी के दिमाग में ज्यादा अंदर जा रही है, किसी के ऊपर से जा रही है, किसी के ऊपर जा रही है. ठीक है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द पॉसिबल मैग्नेटिक इंटरैक्शन थ्रू दैट मीडियम. तो अगर स्टूडेंट मतलब कि बिलीव करता है कि टीचर जो हमें बता रहा है उस पर भरोसा करता है कि चीजें जो बता रहा है वो सही है, तो उसको ज्यादा चीजें समझ में आएगी. ये किस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट. अगर उसको भरोसा ही नहीं है टीचर पे तो उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला, अगर उसको भरोसा है तो उसको बातें ज्यादा समझ में आएगी. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गया. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये है कि वो चीज कितनी जल्दी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू गेट मैग्नेटाइज. ठीक है, तो कितना वो टीचर की बात से प्रभावित हुआ, उसको कितना ज्यादा टॉपिक समझ में आया, जब टीचर ने एक्सप्लेनेशन खत्म कर दिया तो उस बच्चे को कितना ज्यादा टॉपिक समझ में आया, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, अगर जल्दी समझ में आ रहा तो ज्यादा होगा, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कम होगा. मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी क्या होती है, तो ये होती है कि कितनी जल्दी चीजें स्टूडेंट को समझ में आ जाती है. ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल्स के लिए बहुत ज्यादा होता है और कुछ मटेरियल्स के लिए बहुत कम होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आप को रिलेट करके समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आई होप आप लोगों को ये सब टर्म्स अब समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिए.